दोस्तों इंडस्ट्रियल पैकिंग में बड़े कंपोनेंट्स को वैक्यूम पैक करने के लिए हमें 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला होता है बैरियर फॉइल कवर, दूसरा होता है सीलिंग मशीन जिससे हीट सील आप कर सकें, तीसरा होता है हवा खींचने वाला मशीन होता है वो वैक्यूम मशीन, चौथा होता है कोई भी टाइप का डेसिकेंट, और पांचवा होता है प्रॉपर नॉलेज। आपने मेरे वीडियो पोर्टेबल सीलिंग मशीन को वैक्यूम पैकिंग में कैसे इस्तेमाल करें को देखा, आपने इतना सराहा उसके लिए खूब खूब आभार। आपने मेरे वो वीडियो में जो देखा था वो एक इंडियन मशीन था, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो एक इम्पोर्टेड मशीन है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है परिमल, चैनल का नाम है प्रोटेक्टिव पैकेजिंग। मैं आपके पैकेजिंग करने और खरीदने के एक्सपीरियंस को बेहतर करना चाहता हूं। अगर आप ये चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाने मत भूलना। आप अगर मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर और कमेंट्स करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस आप तक लाता रहूं। तो आइए दोस्तों कर देते हैं अनबॉक्सिंग ये इम्पोर्टेड पोर्टेबल सीलर का। ये डायमेंशन है बॉक्स के, इनकेस अगर आपको कुरियर से मंगवाना है तो ये डायमेंशंस आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। ओपन करते हैं बॉक्स के अंदर और देखते हैं हमें अंदर से क्या क्या मिलता है। बॉक्स ओपन करते ही हमें सामने पहले दिख रहा है EPS का एक बॉक्स, काफ़ी स्टर्डी बॉक्स है। उसके अंदर हमें बेसिकली दो चीज़ें मिल रही है, एक तो है ये सीलिंग मशीन और दूसरा है ये ब्रोशर मैनुअल गाइड। इसके जो डिटेल्स है टेक्निकल डिटेल स्पेसिफिकेशन मैं आपके लिए स्क्रीन पर वीडियो में ही दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, निकालते हैं बैग में से ये मशीन। मशीन बाहर निकाल कर हम देखते हैं फर्स्ट व्यू में काफ़ी हल्का मशीन है। आई थिंक 1.5 kg के आसपास का है ये मशीन, और केबल जो है केबल लेंथ रफली जो है वो है 5 feet या आप 1.5 meter कह लो। एंड जो केबल है वो हैंडल के अंदर एम्बेडेड है सेफ्टी के लिए, और इसके ऊपर जो है डायल है टेम्परेचर कंट्रोल वाला है, और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कंट्रोल डायल है ये। देखे तो 0 to 250 degrees Celsius तक का इसमें मार्किंग दिए हुए है, इचिंग से मार्किंग दिया है इसलिए वीडियो में इतने क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। जॉ डायमेंशंस की बात करें तो फिर लेंथ है 12 इंचेस या 300 mm एंड जॉ थिकनेस है अबाउट 10 mm, सीलिंग थिकनेस 10 mm। हीटर जो है वो जॉ के अंदर ही लगे हुए है इसलिए बाहर ओपन हीटर नहीं दिख रहे हैं इसमें। जॉ के ऊपर किया गया है नॉन स्टिक टेफ्लॉन कोटिंग, ताकि छोटा मोटा अगर समझो कुछ लग जाता है तो इजीली निकल जाए। और जॉ के ऊपर स्ट्रीम लाइंस जो दिख रही है, स्ट्रीम लाइंस बेस्ट सीलिंग करती है एज़ कम्पेयर टू हीट सीलिंग आर कंसर्न। पूरे मशीन बॉडी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट मेजरली द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ही पूरा मशीन बनाया गया है। ये है कुछ इलेक्ट्रिसिटी यूजेज की स्पेसिफिकेशंस। ये यूज़ करता है रेगुलर 230 volts, 50 hertz एंड सिंगल फेज। ये ग्रिप जो है वो रबराइज्ड है, काफ़ी हैंडी है, अच्छा ग्रिप मिल रहा है, और ये हम देख सकते हैं जो डायल में दो लाइट्स है, एक ग्रीन है और एक रेड है। ग्रीन लाइट है वो हीटर के लिए है, रेड लाइट है वो पावर इंडिकेटर है, यानी कि जैसे ही प्लग में डाल के स्विच ऑन होगा अगर उसको मशीन को पावर मिल रहा है तो फिर रेड लाइट चालू होगा, और ग्रीन खाली जब हीटर अंदर ऑन ऑफ होता है कंप्यूटराइज्ड तभी वो ऑन या ऑफ होगा। और ये हम देख रहे हैं 2-pin 5 amperes का पावर सॉकेट हम यहाँ पे दिख रहा है। आइए केबल को ओपन करके मशीन को प्लग इन करके ऑन करके देखते हैं। हमने डाल दिया है सॉकेट में प्लग को एंड ये यहाँ पे दोनों लाइट्स हमें दिख रही है। ये जैसे टेम्परेचर
जो है कम ज़्यादा कर रहे हैं तो ये ग्रीन लाइट बंद ऑन ऑफ हो रही है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जब टेम्परेचर अटेन हो जाएगा, जो भी हम सेट कर रहे हैं वो टेम्परेचर आ जाने पे ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, मगर पावर की जो रेड लाइट है वो स्टार्ट ही रहेगी। और जैसे टेम्परेचर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ग्रीन लाइट ऑन ऑफ होती रहेगी ताकि टेम्परेचर कंट्रोल होता रहे। ये आपको ऐसे नहीं करना है, मैं हीट स्टार्ट हुआ है कि नहीं ये चेक कर रहा हूँ, तो हीटिंग स्टार्ट हो गई है। चलिए देखते हैं कि ये मशीन को हीट होने में टोटल हमने अभी करंटली सेट किया है 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो कितना टाइम लगता है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये हीटिंग को जो भी नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर होगा अबाउट 30-35 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री सेल्सियस तक आने तक कितना टाइम लगता है। ये जो एक डॉट जैसा दिख रहा है ना, ये है बेसिकली हीट सेंसर है। ये हीट सेंसर टेम्परेचर को हीट सेंस करके अंदर जो है मशीन को बता देता है कि अभी कभी ऑन करना है और कभी ऑफ करना है। ये नीचे जो स्टैंड दिए गए हैं ना, ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। जैसे हम हीट करने के बाद में जब नीचे रखते हैं तो नीचे कहीं पे भी टच नहीं होगा ड्यू टू दीज स्टैंड्स। तो आप नीचे से आप देख सकते हैं अबाउट 2-3 inches, 2 inches जितना वो दूर रहेगा हमेशा सरफेस के ऊपर से। तो आइए देखते हैं रफली कितना टाइम लगता है हमें एम्बियंट टेम्परेचर यानी कि अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस से जो हमारा सेट टेम्परेचर है वो है 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने तक। मैंने ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है और इसको अप्रोक्सीमेटली मुझे लगे थे अबाउट 3 minutes। और अब हम देख सकते हैं कि लाइट स्विच ऑफ हो गई है, मतलब हमारा जो सेट टेम्परेचर था 120 डिग्रीज वो आ गया है। चलिए अब सील करके देखते हैं कुछ सैंपल्स। ये पहला सैंपल जो हम ले रहे हैं वो है 150 माइक्रोन्स का एल्यूमिनियम बैरियर फॉइल। इसको सीलिंग करना 1, 2, 3 तीन सेकेंड का ही काम है। एंड ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हीट सील यहाँ पे हो चुकी है, स्ट्रीम लाइन्स हमें क्लियरली दिख रही है, परफेक्ट सीलिंग। और अभी देख लेते हैं कुछ दूसरे सैंपल्स भी। यहाँ पे मेरे पास में दूसरा एक सैंपल है, थर्मल ब्लैंकेट का एक दूसरा सैंपल है, इसे भी हम सील करके देखते हैं। टेक्निकल टेम्परेचर सेम रहेगा, 1, 2, 3 डन। तो आइए इसको सील कर देते हैं और ये हो गया एक परफेक्ट सील इसके ऊपर भी। ये हम देख सकते हैं बहुत ही एक बढ़िया सील हुआ है। और डबल सील होता है कि नहीं चेक करने के लिए हम इसके बॉटम में भी एक बार सील करके देख लेते हैं। समझो आपको छोटे मोटे कंपोनेंट्स के लिए अगर पाउचेस भी बनाने हैं, एक या दो पाउचेस है कम क्वांटिटी में, तो आप बना सकते हैं। जैसे ये बॉटम मैंने सील कर दिया और ये बॉटम भी एक परफेक्ट सील बन गया है। और इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सुपर्ब स्ट्रेंथ हमें मिली है, सीलिंग स्ट्रेंथ इज परफेक्ट। चलिए एक दूसरा सैंपल ले लेते हैं। यह है एक मेटलाइज्ड फिल्म है, ये मेटलाइज्ड फिल्म के ऊपर भी सीलिंग सेम तरीके से ही होगा। आइए एक सील करके चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3 ओवर। देखिए इस पे भी एक परफेक्ट सील, स्ट्रीम लाइंस जब डीप और परफेक्ट मिलती है ना तो हमें पता चल जाता है कि एक परफेक्ट सील हमें मिला है। इसकी भी अगर स्ट्रेंथ देखें तो सुपर स्ट्रेंथ वाला सील हमें मिला है। प्लास्टिक खुद फट जाएगा मगर सील नहीं खुलेगी। परफेक्ट सील अटेंड करने के लिए प्रॉपर प्रेशर एंड परफेक्ट वो मटेरियल के हिसाब से टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। चलो एक बार देख लेते हैं कि अगर इम्परफेक्ट सीलिंग अगर होती है तो कैसे हमें पता चलता है। अगर समझो हमने टेम्परेचर लो किया हुआ है या तो फिर अभी सफिशेंट टेम्परेचर नहीं आया है तो फिर कैसे पता चलेगा। यह मैंने कूल करने के लिए रख दिया है मशीन को, वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था मैंने। एंड अगर इसके ऊपर अगर हम सील करते हैं तो इनसफिशिएंट टेम्परेचर में हमें कैसा सील मिलता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सेम टाइम ही मैंने दिया है सीलिंग के लिए, शायद सील हुआ है या खींच के देखते नहीं,
देखो इस तरह से सील ओपन हो जाता है, मतलब ये टेम्परेचर कम सेट हुआ है या तो फिर अब तक अटेन नहीं हुआ है टेम्परेचर परफेक्ट। या तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना है या तो फिर परफेक्ट टेम्परेचर अटेन होने की राह देखनी पड़ेगी। ये मैंने वापस थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा करके रख दिया है मैंने, एंड थोड़ी देर के बाद में देखते हैं कि इसका सीलिंग किस तरीके से हमें परफेक्ट मिलता है या नहीं। तो फिर अभी टेम्परेचर अटेन हो गया है और वही सैंपल को हम वापस सील करके दोबारा एक बार चेक करके देख लेते हैं। टेक्निक सेम रहेगी, 1 2 3 ओवर। और अभी हमें स्ट्रीम लाइन्स वगैरह दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग सीलिंग हो गई है। इसको अगर हम स्ट्रेंथ चेक करें तो परफेक्ट सीलिंग स्ट्रेंथ हमें मिल चुकी है। दोस्तों अगर आपको यह मशीन में इंटरेस्ट है या आपको परचेस करना है तो मैं जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मशीन का काम पूरे होने के बाद में हमें मशीन को अनप्लग करके स्विचेस ऑफ करके रख देना है। केबल देखना है कि हमें हीटर से दूर हो और इसको तुरंत ही छूना नहीं है, ना ही किसी पॉलिथीन या कोई बैग में रखना है, क्योंकि इसके जो जॉज है वो अभी भी गर्म होंगे। आपको एक 10 से 15 मिनट कूलिंग टेम्परेचर देने के बाद में आप इसको पैक करके रख सकते हो। और ये अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ये मशीन की, इसका कोड है DHS 300C और पूरी डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। अगर आपने मेरा अब तक वैक्यूम पैकिंग कैसे करे का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर ही देख लीजिएगा, मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो में आपने जैसा देखा वैसा इंडियन मॉडल भी अवेलेबल है, तो इसका भी वीडियो आप ज़रूर ही देख लीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।